बॉलीवुड महानायक अमिताभ बच्चन इन दिनों कौन बनेगा करोड़पति 13 को होस्ट करते दिखाई दे रहे हैं। ये टीवी का एक पॉपुलर गेम शो है, लोग इस शो को काफी पसंद करते हैं। शो में अमिताभ बच्चन की मौजूदगी चार चांद लगाती है। यहाँ कई कंटेस्टेंट आते हैं और अपने ज्ञान के दम पर लाखों रुपए जीत कर जाते हैं। शो के दौरान अमिताभ बच्चन कंटेस्टेंट से सवाल जवाब तो करते ही हैं, इसके अलावा उनसे उनकी पर्सनल लाइफ और स्ट्रगल के बारे में भी पूछते हैं। लेकिन अब शो की मुश्किलें कुछ बढ़ती हुई नजर आ रही हैं। पिछले महीने केबीसी 13 के एक एपिसोड में श्रद्धा खरे नाम की कंटेस्टेंट हॉट सीट पर बैठी थी और उन्होंने अपनी पर्सनल लाइफ से जुड़े कई किस्से अमिताभ बच्चन के साथ शेयर किए थे। उन्होंने नेशनल टीवी पर अपने पति को लेकर कहा था कि उन्होंने मुश्किलों में कभी उनका साथ नहीं दिया। पत्नी के इस कदम पर पति विनय खरे ने उन पर नेशनल टीवी पर छवि खराब करने का आरोप लगाया है और विनय ने पत्नी और चैनल पर मुकदमा दर्ज करवा दिया है। इसकी जानकारी खुद विनय खरे ने सोशल मीडिया पर दी। उन्होंने ट्विटर पर नोटिस का स्क्रीनशॉट शेयर करते हुए लिखा, मेरी पत्नी केबीसी की हॉट सीट पर बैठी थी और उन्होंने अंडर ट्रायल केस में मेरा अपमान किया, इसलिए लीगल नोटिस भेजा है। साथ ही उन्होंने अपनी पत्नी पर कानून को हाथ में लेने का आरोप भी लगाया। शो के दौरान कंटेस्टेंट श्रद्धा जब अपने पति के बारे में बात कर रही थी तो बिग बी भी श्रद्धा की सारी बातें चुपचाप सुन रहे थे। अपने संघर्षों के बारे में बात करते हुए श्रद्धा भावुक भी हो गई थी। Subscribe our channel and press the bell icon for more updates.